नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही पहले और दूसरे चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और अब जो तीसरा चरण का मतदान होना है वो सात नवंबर को होने वाला है जिसको लेकर जो राजनीतिक दल है नेता हैं वो लगातार बिहार के जिलों में जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं साथ ही साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और किसी भी तरह करके जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी मौका है नेता को पता है कि आखिरी मौका है और किसी भी तरह करके वो जनता को अपने तरफ आकर्षित करें इस बीच लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं लगातार उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पीएम मोदी के पीछे पीछे घूमते हैं इससे दिखाती है कि उन्हें अपनी कुर्सी की कितनी चिंता है पहले आपको दिखाते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कुछ ट्वीट किया है सीएम नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा कि मात्र अपनी कुर्सी को बचाने के लिए व्याकुल बन पीएम मोदी के पीछे पीछे घूम रहे है एट द रेट नीतीश कुमार जी की कुर्सी के प्रति चिंता दिखाती है यह वही है जिन्होंने देश में 2014 में विकास के पहिए को रोकने के लिए ऐट द रेट नरेंद्र मोदी जी के नाम का विरोध किया वो आज प्रधानमंत्री जी की कृपा के लिए तरस रहे वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं खुद पाँच साल क्या किया और यह राज किसी को नहीं पता जेडीयू के नेता आते हैं सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवा चले जाते हैं जेडीयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है चिराग पासवान ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि जेडीयू ने सिर्फ प्रदेश को बर्बाद किया है नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पीएम मोदी के पीछे पीछे घूम रहे साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि आपको याद दिला दे कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में पीएम मोदी का विरोध किया था और आज ये कुर्सी बचाने के लिए पीएम मोदी के पीछे घूम रहे हैं तो ऐसे ही तमाम ख़बरों के लिए बने रहिए नेशनल नेशन न्यूज़ के साथ नमस्कार